بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا شفيعنا خير البرية شفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. دین کی نسبت پر، دین کی وجہ سے زندگی کا جو حصہ خرچ ہو جائے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. دین کی نسبت پر جو وقت خرچ ہو وہ وقت قیمتی ہے، جو مال خرچ ہو مال قیمتی ہے، جو جگہ خرچ ہو وہ جگہ قیمتی ہے. کیونکہ سب سے بڑی نعمت، دولت، عزت، خوشی دین میں ہے. جہاں دین ہے، اسلام ہے، ایمان اور عمل ہے، اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کی طاعت بندگی ہے، آن حضرت سیدنا ملاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور طاعت ہے، سنت ہے، وہاں خدا کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہے، اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. اس لیے وہ جگہ قیمتی ہے، وہ وقت قیمتی ہے، وہ انسان قیمتی ہے، اور یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے. کیونکہ
कीमती चीज के साथ जो चीज जुड़ती है वो भी कीमती बन जाती है। पहाड़ों में से खजाने निकलते हैं, कहीं से सोना निकलता है, कहीं से चांदी निकलती है, कहीं से पेट्रोल निकलता है। जमीन के हिस्से हैं, जमीन का टुकड़ा होने के तबार से सारी जमीन बराबर है, लेकिन जमीन के अंदर जो चीजें हैं उसकी कीमती होने के तबार से जगह की कीमत लग जाती है। दुनिया में हम देखते हैं कि अगर किसी जगह पे सरकार का कोई आदमी आके ठहर जाए तो लोग फख्र करते हैं, हालांकि फख्र की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह बच्चे दुनिया की नस्बत फख्र की नहीं है, दुनिया की नस्बत तो जिल्लत की है। अल्लाह बचाए, लेकिन ये दुनिया का अजीब दस्तूर है कि दीन का असली नफ़ा चूँकि आँखों से छुपा हुआ है, तो मरने के बाद जाहिर होगा, और उसका कुछ नफ़ा दुनिया में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन दुनिया का जो वक्ती नफ़ा है वो फ़ौरन सामने आ जाता है, इसलिए इंसान लहफाज में धोखा खा जाता है। दुनिया वाले दुनिया की नस्बत में फ़ख्र करते हैं, हालांकि ये फ़ख्र की चीज़ नहीं है। जिस ज़मीन पे अल्लाह के हुक्म को पूरा न किया जाए, अल्लाह बचाए, वो ज़मीन सख्त गुस्सा करती है। वो वक्त अफसोस करता है, क़यामत के मैदान में खोला जाएगा इंसान के औकात को। जब खोला जाएगा तो तीन किस्म के औकात के बॉक्स होंगे। एक बॉक्स तो ऐसा होगा जिसमें उसने औकात का इस्तेमाल सही किया होगा, नेकी की होगी, ताअत किया होगा, अल्लाह को खुश करने वाले अमल किए होंगे। वो बॉक्स जब खुलेगा तो उसकी कीमत को इंसान देख के इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि उस खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। ये ईमान और अमल वाले का बॉक्स है कि उसकी ज़िंदगी का जब पेटी खुलेगी औकात की, बचपन की, उसके बाद की उम्र की, बुढ़ापे से पहले की, बच्चा जवान हुआ, बुढ़ापा, ये जो पूरी लाइफ है उसकी जो औकात की पेटी खुलेगी, बॉक्स खुलेगा, तो ईमान वाला हर वक्त ज़िंदगी को कीमती बनाता है। हर वक्त कीमती बनाता है, वो वक्त को खाली ज़ाया नहीं करता। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़र फरमा रहे थे, पहाड़ के ऊपर से गुजरे, शदीद गर्मी का ज़माना था, वक्त हो गया खाने का। अल्लाह रब्बी असन पर अल्लाह अकबर, तो खादिम सैयद ने फरमाया भाई खाना निकालो, दोपहर का वक्त है, खाना खा लें। तो ख्याल आया कि देखें अगर आजू बाजू में कोई मुसाफिर हो, मजबूर हो, मिल जाए तो उसे भी दाखिल शामिल कर लें, मेहमान बना लें। तो हज़रत फरमाया खादिम से कि ज़रा तलाश कर लाओ, देखो कहीं कोई हो सकता हो गरीब मजदूर मुसाफिर हो। खादिम तलाश करने गए रज़ी अल्लाह अन्हु, तो आए, एक चरवाहा था, बकरियां चरा रहा था पहाड़ पर, शदीद गर्मी का मौसम,
बकरियां चरा रहा है, उसे ले आए कि भाई चलो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा तुम्हें याद कर रहे हैं। आया बकरियां का रेवड़ था, बकरियों का झुंड साथ में। हजरत ने फरमाया कि चलो भाई खाना खा लेते हैं। तो वो गुलाम कहता है कि मैं रोजे से हूँ, गर्मी का मौसम, गुलाम है, चरवाहा है, बकरी चरा रहा है, पहाड़ पर है और अरब की गर्मी वैसे भी सख्त होती है, भूख और प्यास का शदीद ज़माना, और वो गुलाम खादिम कर रहा है कि अमीरुल मोमिनीन मैं बकरियाँ चरा रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने अभी अपना रूप नहीं बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, वो समझा कि कोई अनजाने आदमी है वो मुझे खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। कहता है साहब मैं तो रोजे से हूँ। हजरत ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर ने फरमाया कि शदीद गर्मी का ज़माना मौसम और तुम रोजे से हो। तो वो शख्स कहता है कि साहब मैं अपने अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूँ। अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूँ क्या मतलब? जन्नत में अल्लाह हम सब को शामिल फरमाए, जन्नती लोग दाखिल हो जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएंगे जिनको दाहिने हाथ में नामे आमाल मिलेगा अल्लाह नसीब फरमाए, तो खुश होकर कहेगा हाँ उमुखरो किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुआ फी ईशति राज़िया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वश्रबू हनीयं बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह कहेंगे कि जाओ खाओ मज़े से, ठाट से खाओ और पियो उन अमल के बदले में जो तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर गुज़श्ता दुनिया के अंदर ज़िंदगी के अंदर गुज़श्ता अय्याम में जो काम तुमने भलाई के किए हैं उन भलाई के काम के बदले में आज तुम जाओ खाओ पियो। तो इस पर उसने कहा कि हज़रत मैं अपने अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूँ। ये एक ज़माना था कि ज़िंदगी की कदर ग़ुलामों के नज़दीक भी इतनी थी। आज हम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, ये कदर नहीं है। जहाँ छोड़ के सब कुछ जाना है वहाँ के लिए सारे मशगले हैं, और जहाँ रहना है वहाँ के लिए फिक्रें नहीं हैं। ये गम का आंसू है। पहले ग़ुलामों की ज़िंदगी भी इस लाइन पर होती थी। सैयदना उमर ने फरमाया कि अच्छा भाई ये काम करो, ये तुम्हारी बकरी जो है ये दूध वाली बकरी है, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, मैं पैसा दे देता हूँ, तुम मेरे हाथ बेच दो, दूध मैं भी पीऊँगा, तुम भी पी लेना, तुमको पैसा भी मिल जाएगा। ये इम्तहान हजरत ने फरमाया, और अभी ये नहीं बताया था कि अब मैं उम्र हूँ रज़ी अल्लाह अन्हु। फरमाया कि इसको तुम पी लेना, तुम्हारा पैसा हो जाएगा। तो वो कहता है शख्स कि जनाब ये बकरियाँ मेरी खुद की नहीं है, मैं इसका खुद मालिक नहीं हूँ, तो खादिम अमीन हूँ, मेरे अख्तियार में नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूँ, ये तो मेरे सेठ की मिल्कियत है, इसका मालिक तो मेरा सेठ है, मैं आपके हाथ नहीं बेच सकता हूँ। तो हजरत ने फरमाया कह रहे कहाँ तुम्हारा सेठ देख रहा है, वो तो अपने घर बैठा है। तो वो कहता है, वो खादिम कहता है अल्लाह रब्बी हसन फरमान सखला कबले। तो गुलाम कहता है कि फ़ैन अल्लाह फ़ैन अल्लाह, क्या कहते हैं आप, मेरा सेठ नहीं देख रहा है तो हमारे अल्लाह कहाँ चले गए, अल्लाह तो देख रहे हैं।
अल्लाह तो देख रहे हैं, सेठ से बच के निकल गए लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। अगर खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्दी की तो खुदा के खौफ की गजब से नहीं बच सकते, अल्लाह बचाए। ये जिंदगी की सतह थी कि गुलामों के अंदर भी अमानत और दयानत इस तक थी, खयानत नहीं थी। जब ये वाकया एक सहाबी को मालूम हुआ, ऐसे बहुत से वाकयात हैं, सैयदना उमर को तसल्ली दी गई कि हजरत जब आप चूंकि अमीरुल मोमिनीन हैं रज़ियल्लाहु अन्हु और आप खुद अल्लाह की खशियत और तक़वा और खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपके खौफ खुदा, खब की खशियत, अल्लाह के खौफ, गुस्से से सख्त खौफ और डर, इस खौफ और गम का असर आपकी रईयत पर भी है, आपके मातहत रहने वाली उम्मत पर भी है। क्योंकि बादशाह जब डरता है तो कौम भी डरती है। अन्नास वाला दीनी मुलुकी, छोटों पर बड़ों का असर होता है, बेटे पर माँ का असर होता है, बेटी पर माँ का असर होता है, ये तय शुदा बात है। बड़े जब छोटों के लिए कुर्बानी पेश करते हैं तो छोटों की जिंदगी बदलती है। इसलिए सैयदना उमर चूंकि खुद अल्लाह के डर से इतना कांपते थे, खशियत से डरते थे और नमाज में इतने खौफ से रोते थे, चीखें निकलती थी तो कई कई सब पीछे आवाज़ सुनाई देती थी रुलाई की। आज का हाल बिगड़ गया, छोटों के सामने बड़ों की जिंदगी बिगड़ी है। बेटा माँ को देखता है तो उसकी जिंदगी में दीन नहीं है, बेटी माँ को देखती है कि उसकी जिंदगी में दीन नहीं है तो वो भी आवारा चलती है। इसलिए हमें अपनी आखिरत को बनाने के लिए, हमें अपनी दुनिया को भी बनाने के लिए और इससे ज़्यादा ज़रूरी आखिरत को बनाने के लिए ये फिक्र की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी कीमती बने। ज़िंदगी कीमती दीन की बुनियाद पर बनती है। इसलिए आज की इस मजलिस में जितना मजमा मौजूद है उसमें हम सब शरीक हैं, दिल की गहराई से गुनाह छोड़ें और तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तूब इलैह, और ज़िंदगी बदल दें, धोखे में न रहें। अल्लाह के खौफ के बगैर अमान नहीं है, चैन नहीं है। अल्लाह के खौफ से डरना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और अल्लाह से डरना इनाम की चीज़ है। दुनिया में कोई शख्स किसी से खुदा न खास्ता डरे वो और डराता है, लेकिन अल्लाह से जो खौफ खाता है अल्लाह उसको अमानत फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन अजरुन करीम। अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर, मग़फ़िरत और इज्जत वाला अजर है। अल्लाह गिफ्ट अता फरमाते हैं डरने पर, वली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान फबी अय्या आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अल्लाह कहते हैं कि जो अपने रब के सामने खौफ खा के खड़े होने के से खौफ खाए, डरे कि मुझे अपने अल्लाह के सामने, मुझे अपने अल्लाह के सामने, वली मन खाफा मुझे अपने खुदा के सामने खड़ा होना है, इस खौफ के मारे जो डरे खौफ खाए तो अल्लाह कहते हैं लहू जन्नतान, उसके लिए डबल बाग है। ये बात अल्लाह से डरना बड़ी नेमत की चीज़ है, बड़ी बड़ी नेमत है। अल्लाह अपने डरने वाले बंदों को अमान अता फरमाते हैं क्योंकि अपने बंदे पे अल्लाह दो खौफ जमा नहीं करते। अगर दुनिया में खुदा से डरेगा तो अल्लाह आखिरत में चैन खौफ बेखौफी अता फरमाएंगे, और अगर दुनिया में बिन्नास रहेगा तो आखिरत में इतनी सख्त खौफ और गम का हाल होगा कि उससे बचाव मुश्किल है। अल्लाह बचाए, अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। इसलिए दुनिया में हमें हंसने के लिए नहीं भेजा गया है, रोने के लिए भेजा गया है। फल यज़हबू कलीला वल यबकू कसीरा,
अल्लाह कह रहे हैं यहाँ हंसने के लिए नहीं भेजे गए, यहाँ रोने के लिए भेजे गए हैं। जो शख्स अपने घर से निकाल कर बाहर कर दिया जाए वो भला हंसेगा? हम जन्नत से निकल चुके हैं, हमारा असली ठिकाना जन्नत था, लेकिन हमारे अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी हिकमत मसले से हमको वहाँ से भेजा है। शैतान जो अजली दुश्मन है हमारा, उसने हमारे दादा जान अलैहिस्सलाम को, अबुल आदम सैदना आदम अदा अबुल बशर सैदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दुश्मन ने जन्नत से निकाला, निकलने का उसने धोखा दिया। हमारी दुश्मनी शैतान से, हमारी दादी जान हज़रत हव्वा को उसने निकाला। तो माओ को सोचें कि हमारा दुश्मन शैतान है, हम क्यों उस मलून से दोस्ती करें। इसलिए माँ बहनें जितने भी इस मजमे में, इस मजलिस में हाजिर हैं, हमारे सब भाई जो हम सब मौजूद हैं इस मजलिस में, हम अपने ज़िंदगी के बदलने के इरादे करें। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। खाली कह लेना सुन लेना काफ़ी नहीं है, कहना सुनना भी एक पहला जीना है, लेकिन असल नफा अमल के बाद मिलेगा। इसलिए हमें इस बात को दिल पे लेना है, अपनी ज़िंदगी बदलना है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हम अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। यहाँ गम नहीं, यहाँ खुशी नहीं है, यहाँ तो गम है। हम एक अपने मंजिल से, घर से निकाल दिए गए हैं, तो अब जब तक हम अपने उस घर में वापस न चले जाएं तब तक खुशी नहीं है। हाँ वापस चले गए तब खुशी है। एक बुजुर्ग की खिदमत में एक शख्स पूछा, उसने कहा हज़रत खैरियत तो है, रहमतुल्लाह हम लोगों से भी कोई पूछता है खैरियत, हम बिंदास कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहना चाहिए। लेकिन हमारे मशायख फरमाते हैं कि खैरियत और आफियत खाली बोलने से नहीं होता। हजरत ने फरमाया, जिनसे पूछा था कि खैरियत है, हजरत ने फरमाया भाई मेरी खैरियत तभी क्या पूछते हो, अभी खैरियत मत पूछो, अभी तो सख्त मरहला बाकी है। कहा अभी मरना बाकी है, मौत बाकी है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखना बाकी है, रूह निकलना बाकी है, कब्र का सख्त तरीन सवाल आजमाइश भरी इंटरव्यू बाकी है। जब मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए और कब्र में सवाल और जवाब में कामयाब हो जाऊँ, तब आके तुम मेरी खैरियत पूछना। हम आप भी सोचें, जिस ज़िंदगी में नमाज नहीं हुआ खैरियत नहीं, जिस ज़िंदगी में अल्लाह का डर नहीं हुआ खैरियत नहीं, जिस ज़िंदगी में पर्दा नहीं हुआ अल्लाह खैरियत नहीं, जिस ज़िंदगी में दीन नहीं हुआ खैरियत नहीं। खैरियत का धोखा है, खैरियत का धोखा है। जिस घर में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है वहाँ खैरियत नहीं है, खैरियत का धोखा है। ये तय है, अल्लाह कमान कसे हुए हैं, टाइट है। गुनाहों पर अल्लाह रस्सी टाइट फरमा देते हैं, फिर आदमी गिर जाता है। तौबा पर, अल्लाह के खौफ खशियत पर अल्लाह खैर की रस्सी ढीली फरमा देते हैं, ये बंदा आसानी से चलने लगता है। इसलिए हमारे दीन में मायूसी तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम मायूस करने नहीं आया है, ये तो टूटे दिलों का सहारा बन के आया है, गुनहगारों की मगफरत का सामान लेकर आया है। और हम सब गुनहगार हैं, आज की इस मजलिस को मजलिस तौबा बनाएं, इरादा करें कि अब बदल लेंगे, अपने को बदलेंगे, ईमान वाला घर बनाएंगे, ईमान वाला माहौल बनाएंगे। यूपी में एक जगह है गोरखपुर, उलमा का एक बड़ा मजमा है वहाँ, मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद है। हमारे हजरत शेख मुर्शिद हफीज़ुल्लाह दामत बरकातुहू ने किस्सा सुनाया कि वहाँ शौहर बीवी रहते थे और कॉलेज में पढ़ते थे। आजकल कॉलेज का माल खराब मालूम है, कहते हैं ना कॉलेज में नॉलेज ख़राब हो जाती है, तो ज़िंदगी ख़राब थी। खैर इतना सख्त मंजर है कि बयान से बाहर है। आज हर बच्चे पर और बच्ची पर, हर वालिद पर, हर माँ पर फ़र्ज़ है कि अपने घर की फ़िक्र करे, अपनी ज़ात की फ़िक्र करे।
हमारी औलाद अल्लाह हिफाज़त फरमाए, हमारे हाथ से निकल रही है। माँ बहनें तौबा की लाइन पर आएँ, हम सब तौबा की लाइन पर आएँ, खुद बचें और उम्मत को बचाने की फिक्र करें। अहमदाबाद शहर का किस्सा आलिम ने बताया कि वहाँ 90 से ज़्यादा मुसलमान बच्चियाँ मुशरिकों के हाथ जा चुके हैं। वो कहती हैं शादी क्या चीज़ है, निकाह क्या चीज़ है, माज़ल्ला ये हराम खोरी, ये इर्तदाद की अलियाज़ बिल्ला घिनौनी शक्ल है। ये काफिर को, मुशरिक को मुसलमान के साथ ला फाल फरमाए। कहाँ सो गए, कहाँ सो गए, कहाँ सो गए। उम्मत का जिस्म का अंग अंग जख्मी हो चुका है, रोने के लिए आंसू खुश्क हो रहे हैं। हम जरा सोचें, उम्मत का हर बच्चा हमारा बच्चा है, उम्मत की हर बच्ची हमारी अपनी बच्ची है। गम का आंसू रोने की ज़रूरत है और उम्मत की हिदायत हिफाजत के लिए दुआ करना है। अपने बदलना है और अपनी नस्लों की फिक्र करनी है। ये आज़ादी का माहौल, बेदीनी का माहौल बदलेगा हम थोड़ी सी फिक्र और हिम्मत करके काम पे लगें, दुआ का सहारा लें, तौबा की लाइन पर आकर अल्लाह से खौफ डर अख्तियार करें, खता गुनाह से परहेज करें और दुआओं का एहतमाम करें, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, तो अल्लाह ने चाहा तो हालात बदलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की माँ बहनों को पाक सल्लल्लाह की तरफ से सलाहियत अता फरमाई जाती है, सलाहियत अता की जाती है, उनको समझाने का सलीका है। दीन का बड़ा बड़ा काम ख्वातीन से हुआ है, दीन की खिदमत में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारी माँ बहनों ने पेश फरमाई हैं। इस्लाम की पहली जब हक़ व बातिल की मारका आराई हुई थी, अव्वली तारीख बताती है कि कुर्बानी की लाइन में तकद्दुम और पेशकदमी अव्वलियत ख्वातीन को हासिल है। पहली मदद इस्लाम में मस्तूरात की तरफ से आई है। हज़रत सैदना उमर के पीछे रजलन हो, उनकी बहन की कुर्बानी का दखल है। अगर हज़रत फातिमा की कुर्बानी ना होती तो सैदना उमर का ईमान सामने ना आता। तो पूरा खाता सैदना उमर का, पूरा अमल उनकी बहन के खाते में जाता है। अल्लाह हज़रत उमर, अल्लाह अकबर, उमर उमर है। सैदना उमर की शान है, अल्लाह हज़रत को गरीब रहमत करे, दर्जात आलिया जन्नतुल आला में बुलंद फरमाए। इतना आला मकाम है, लेकिन बहन की कुर्बानी थी, दीन पर जमाव था, बहन के दीन पर इस्तकामत थी कि उमर को भी मोम कर दिया। क्या जमाव था, वो भी उमर की बहन थी ना, फजाइल में पढ़ते नहीं पढ़ते। सैयदना उमर किस इरादे से निकले थे, माज़ल्ला इस कायनात में सबसे संगीन जुर्म जो हो सकता है अल्लाह बचाए, उस जुर्म के इरादे थे अयादबिल्ला सैयदना उमर निकले थे। लेकिन हज़रत सैयदना उमर हमारे आँखों के सरता तारा, हमारे सर के ताज से भी आला हैं, हमारे ईमान की कड़ी हैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा अल्लाह मरातिबहु फिल जन्नत वरज़क़ना इत्तिबा। ये उमर है, बहन को जाके तमाचा मारा, वो बहन थी कैसे जम गई कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उमर से आगे बहन इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, सोचने की बात है। हज़रत सैयदना उमर का इस्लाम 50वें नंबर पर है, 50वें नंबर के सहाबी हैं। ये भी एक राज है, वो सब बातें नहीं बताई जा सकती कि वो 50वें नंबर पर क्यों आए। सैयदना उमर का ईमान 50वें नंबर पर है। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के 3 दिन के बाद इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह, ये बड़े बड़े जो सोरमा हैं, बड़े बड़े जो आला दर्जे के सहाबी हैं, वो सब ये मकाम हो रहा है। सैयदना अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर जो कुर्बानी आई थी, जो काफिरों ने उस वक्त हज़रत को मारा था, जख्मी किया था, सैयदना उमर, सैयदना अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह हज़रत को गरीब रहमत करे, उनकी निस्बत हमें अता फरमाए। आया है सैयदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस, अली के खिलाफ उस वक्त के बदबخت काफिरों ने सख्त 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 बातें कहीं। सैयदना अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ये कहा था, ये सिद्दीक है, तो काफिर मुशरिक सैयदना सिद्दीक पे टूट पड़े। इतना इतना ज़दोकोब किया कि चेहरा ज़ख्मी हो गया था।
इस्लाम हमको सस्ते मिला है। अबू बकर के चेहरे जख्मी हुए रज़िलानों, अस्मा को थप्पड़ खाना पड़ा है। कौन माँ बहन है जिसको थप्पड़ खाना पड़ा है? इसलिए मैं बहनों, इस्लाम को दिल में बिठाने की हाजत है। इस्लाम हमसे आज वफादारी मांग रहा है, हम सब के वफादार बन गए, लेकिन अब ज़रूरत है कि हम कलमे के साथ वफा करें, कुरान के साथ वफा करें, दीन के साथ वफा करें, फिर इंशाल्लाह बहुत इनाम मिलेगा। सैयदना सिद्दीक अकबर का ये वाकया पेश आता है, जख्मी हो गए, बेहोश हो गए, हजरत को उठाकर घर ले गया, जख्म की हालत में बेहोश थे। आखिर दिन के हिस्से में शाम के वक्त जरा सा होश आया, लोगों ने ख्याल किया कि कुछ खिलाएं पिलाएं, तो सबसे पहला सवाल होता है कि मुझे तो खबर दो कि मेरे महबूब सैयदना रूही फिदा हजरत खैरुल बरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है। पहला सवाल होता है कि मेरे महबूब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में? अल्लाह ज़रा होश आया, पहले पूछते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दो। लोग कहने लगे कि देखो तो सही, खैर माँ माँ होती है। लोग गुस्से होके चले गए, शाम ढली, माँ को फिक्र थी, माँ को फिक्र थी, माँ तो माँ होती है, माँ बाप की मोहब्बत का बदल दुनिया में नहीं है। उनको फिक्र हुई कि मेरे बेटे को कुछ तसल्ली तो मिले। उम्मे जमील नाम कर साबिया रिजलाना उनकी खिदमत में गई, वो इस्लाम ला चुकी थी, वो भी इस्लाम ला चुकी थी, ये छुप के इस्लाम ला रही मस्तूरात, ये मस्तूरात की कुर्बानी है। मक्के का संगीन माहौल है, वो बस सैयदना अबू बकर मार खा रहे हैं, रज़ियल्लाहु को मार लगी तो उन्होंने जाकर उनके पास कहा कि देखो मेरे बेटे का हाल ये है, क्या किया जाए? तो वो अनजानी कहती हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या खबर दूं, मैं क्या बताऊं, अलबत्ता चलो मैं देखती हूं, पूछती हूं, खैर खैरियत। तो हज़रत आती हैं तो वो पूछते हैं कि सैयदना अबू बकर पूछते हैं कि अच्छा बताओ हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है। हज़रत उम्मे जमील ने इशारे से कहा कि तुम्हारी अम्मी को अगर खबर हो जाएगी तो मामला होगा, वो इस्लाम नहीं लाई थी। तो फरमाते हैं कि मेरी अम्मी से खौफ मत खाओ, बताओ। तो हज़रत उम्मे जमील सहाबिया रज़िल्लाहा वो कहती हैं कि हाँ हज़रत सैयदना मौला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखैरिन, बहुत खैरियत आफियत से। फरमाया कि मुझे ले चलो। रात शाम हो चुकी थी, आवक गम हो गई थी लोगों की, हज़रत तशरीफ़ ले गए, आप सल्लम की खिदमत में पहुँचे, कोई गम नहीं, कोई बात नहीं, खुश हो गए। और जो फिक्र की, पहली जो दरख्वास्त की वो ये दरख्वास्त की कि हज़रत सैयदना आका सल्लम, ऐ मेरे महबूब फ़ख्र दो आलम सैयदना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी अम्मी आई हैं, ये इन्होंने इस्लाम अब तक कबूल नहीं फरमाया है, मार खाए हुए हैं, लेकिन पहला सवाल जो हजरत से अक्सर फरमा रहे हैं, हजरत मेरी अम्मी के लिए दुआ फरमा दीजिए कि इनको कलमा और हिदायत नसीब हो जाए। आप सल्लम ने दुआ फरमाई और सैयदना सिद्दीक अकबर की अम्मी जान रज़ियल्लाहा उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान होती है। ये औरत की सबकत है। मार खा कर भी फिक्र की तो खानदान की हिदायत की कुर्बानी है, ये मस्तूरात की कुर्बानी है। आगे निकल गए, आगे निकली हैं। इस वाकये को होने के तीन दिन के बाद सैयदना हमदा ने इस्लाम कबूल किया। आप देखिए ये वाकया हो रहा है और तीन दिन गुजरते हैं, जरा सोचिए कि क्या मंजर रहा होगा, पूरे मक्के में चर्चा होगा। और तीन दिन गुजरता है, सैयदना हमदा इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आला नंबर, जितने ज़बरदस्त सहाबी हैं ना वो सब आ रहे हैं। और वो तीन दिन ख़त्म होता है, सैयदना उमर इस्लाम लाते हैं। ये तीन तीन दिन की गैपिंग है और सैयदना उमर पर 50 की तादाद पहुंचती है। साहबा साहबा थे रज़ियल्लाहुम, उनके पीछे हजरत फातिमा जो सैयदना उमर की बहन है रज़ियल्लाहा, उनकी कुर्बानी है, उनके बहनोई की कुर्बानी है। तो कुर्बानी में माँ बहनें आगे हैं और इस वक्त इसी कुर्बानी की ज़रूरत है ताकि दीन बाकी रहे और दीन फैले। हम जहाँ हैं, जिस घर में हैं, वहाँ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम इस्लाम का नुमाइंदा बने। मैं अक्सर कहा करता हूँ
कि वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है कि इस दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा, इस्लाम के अलावा कुछ नहीं होगा। हम फिक्र करें कि हमारे हम इस्लाम का नमूना पेश करें, खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत, सबसे बड़ी खिदमत अपने को इस्लाम का नमूना पेश करना और इंसानियत की हिदायत की फिक्र करना है जैसे बड़ों ने किया। इसलिए हम अपने को समझे कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा कदम कहीं गुनाह पर न जाए। हम तो बढ़ते हुए गुनाहों की तरफ, बढ़ते हुए कदमों को रुकवाने वाले हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके लिए कहना सुनना होता है, कुर्बानियां माँ बहनों की रंग लाती हैं। आज कितनी बच्चियां इस तरह बेदीन हो चुकी हैं। पूना के सलीम चिश्ती साहब हैं, उन्होंने बहुत पहले पूना का सर्वे करके बताया था कि उस शहर में अब तो पता नहीं क्या लोग, अल्लाह खैर फरमाए, कि वहाँ के 50 से ऊपर बच्चियाँ गैरों के साथ जा चुकी हैं। ये फितना है। हम इस वक्त डट जाएं कि हम इस्लाम पर जिएंगे और इस्लाम ही पर मरेंगे। हम खुद इस्लाम को कुव्वत के साथ पकड़ें और अपने ख़ानदान बच्चों और पूरी उम्मत की खिदमत में जाएं, समझाएं, इस्लाम की फिक्रें करें। फ़ोन पे जब हमारी बात हो रिश्तेदारों से तो खैर खैरियत में सबसे नंबर की खैरियत दीन होए, दीन की पूछें कि बहन बताओ तुम्हारे ईमान का क्या हाल है, खाला बताओ तुम्हारे दीन का क्या हाल है, नमाज है कि नहीं, देखो तौबा का वक्त आया है, तौबा कर लो वरना मामला बहुत सख्त है, बदलें, फिर इंशाल्लाह खैर का चलन होगा, माहौल बनेगा और फिर इंशाल्लाह खुली आंखों से हिदायत की हवाएं खुद देखेंगे, फिर दिल ठंडा होगा। गोरखपुर के किस्से को मैंने छेड़ा था, तो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निकाह आपस में हो गया, निकाह हो गया कोई बात नहीं, इस्लामी शरण में जायज़, दोनों रहते थे। निकाह के बाद वक्त आया खुशी का, हमदो महसूस हुआ कि अब हमारा घर आबाद होगा, औलाद आएगी, तो उनकी अहलिया एक दिन अपने शोहर से कहती हैं कि साहब अब तक तो मैं भी आज़ाद तुम भी आज़ाद, मैं पार्कों में घूमती थी तुम होटलों का चक्कर मारते थे, तुम भी आज़ाद हम भी आज़ाद, अब देखो ज़रा ठंडे दिल से बात सुनो, लगता है कि हमारा घर इंशाल्लाह आबाद होगा, लक्ष्मण ताला की तरफ से हमें औलाद की नेमत मिलेगी, आज बैठ के तय करो कि अब चाहते क्या हो, क्या यही चाहते हो कि आने वाले हमारे बच्चे और बच्चियाँ उसी तरह हों जैसे अभी हम तुम हैं, कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी में और मुसलमान की ज़िंदगी में कोई मेल नहीं है, फ़र्क नहीं है कि मुसलमान ऐसा होता है या गैर, तो अगर तुम चाहते हो कि इसी लाइन पे तुम्हारी औलाद भी हो तो ठीक है आज़ाद रहो, औलाद आएगी तो वो भी ऐसे ही घूमेगी, फ्री घूमेगी, वो भी आज़ाद होगी, तो अगर ये चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो शौहर बोलता है अरे कैसे चाहेंगे, कोई बाप अपने बेटे और औलाद के लिए बुरा नहीं चाहता है, तुम ये तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हमारी औलाद नेक हो, सालेह मुत्तकी हो, तो उसके लिए कहती है कि तब छोड़ो कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझको तुमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आने वाली औलाद की वजह से आज तौबा कर लो, मैं भी और तुम भी, मैं तौबा करती हूँ आज़ादाना ज़िंदगी से, अब आज के बाद हम इस्लामी लिबास पहनेंगे, पर्दे वाला लिबास पहनेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे और पार्कों में टहलना छोड़ देंगे, घर में बैठ जाएंगे, और तुम अपना पैंट शर्ट बदल दो और इस्लामी लिबास तुम भी पहन लो और मुसलमानों का जो लिबास और दीन है वो अख्तियार कर लो, होटलों का चक्कर छोड़ो और नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, ताकि जो हमारे बच्चे आएँ
वो हमारी तुम्हारी नकल करके दीनदार बने। जब घरों में दीन के ऐसे फैसले होते तो अल्लाह पाक सुब्हानहू की तरफ से रहमत की बारिश उतरती है। आज की इस मजलिस में यही दरख्वास्त है कि हम लोग अपने ख़ताओं से तौबा करें और घर का माहौल बदलने के लिए बड़े कुर्बानी दें तो छोटों पर उसका असर होता है। दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी ख़राब ज़िंदगी आज़ाद ज़िंदगी बदल दी, तौबा कर लिया। वो नेक मुसलमान घरवाली वो नेक मुसलमान बनी और उसका शौहर नेक शौहर बना, नमाज का पाबंद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह घर आबाद हुआ। दो तीन साल कई साल जो भी गुजरे, उनके तीन लड़के थे, तीन औलाद थी। पूरे गांव में मशहूर था कि अगर किसी खानदान में नेक बच्चा बच्ची देखना है तो उस खानदान को देखो। ये माँ की कुर्बानी थी और बाप की कुर्बानी थी। हम सब चाहते तो अच्छा ज़रूर है लेकिन अच्छा चाहने से नहीं होगा। रसगुल्ला कितना मीठा होता है लेकिन कोई बैठे ख्याल करेगा तो आसमान से टपक के नहीं आएगा। उस रसगुल्ला के पीछे मेहनत है, कुर्बानी है। कितनी मेहनत होती है, आग में पकाना, उसमें छानना पड़ता है खोलते हुए तेल के अंदर, फिर उसको रस में डुबोते हैं और फिर ठंडा करते हैं, तब जाके मीठा होता है। ऐसा मीठा होता है कि वो दिल भी मीठा कर देता है। जब रसगुल्ले की मिठास में दिल इतना मीठा होता है, खुदा पाक की इज्जत और जलाल की कसम, कलमे और तकवे में जो खुदा ने मिठास रखी है उसकी मिठास को कोई बयान भी नहीं कर सकता है। बस इतनी सी बातें हमने याद रखी। अल्लाह हमारे इस कहने में इखलास अता फरमाए, सुनने में इखलास अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सर 2500 इसके लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है। कुर्बानी में चंद बातों के इरादे, एक तो ये आज जितने हम यहाँ मौजूद हैं ईमान वाले भाई बहनें सब दिल से अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह रब्बी माफ़ फरमा, अस्तग़फिरु रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वतुबु इलैह, गुनाह छोड़ें और उसके बाद चंद बातों के इरादे करें। एक तो ये कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, नमाज अव्वल वक्त में पढ़ें, सब कुछ छोड़ दें, टाइम हो गया अव्वल वक्त नमाज पढ़ें। इस अव्वल वक्त की नमाज की बरकत होगी। बम्बई में झोपड़पट्टी के अंदर रहने वाली एक खातून थी, इंतकाल कर गईं, अल्लाह उनकी बख्शिश मगफरत फरमाए और उनका बदल उम्मत को अता फरमाए। अजीब गरीब बच्ची की गालबन शादी भी नहीं हुई, खुदा को प्यारी हो गई, गरीब ख़ानदान की बच्ची थी। तीन चार साल पहले रमज़ान शरीफ में इंतकाल हुआ है। 50 मरतबा से ज़्यादा उसको ख़्वाब में वसल्लम की ज़ियारत हो चुकी है, 50 मरतबा से ज़्यादा। गरीब बच्ची झोपड़पट्टी में रहने वाली, हमारे हजरत नबी पाक से बैत थी, आखिर अशरे की ताक रात में गालबन जुमे की रात थी इंतकाल कर, बड़ा असर था। ऐसे ऐसे उम्मत के माँ बहनों का और भाइयों का इंतकाल कर जाना खाली खानदान का गम नहीं है, हम सब का गम है, क्योंकि उसकी नेकी की जो खैर और भलाई आती थी वो उसके वास्ते से हम सबको मिलती थी। उम्मत में कहीं भी कोई एक नेकी करता है नफ़ा सबको मिलता है। कोई बहन यहाँ पर्दे से चलेगी तो पर्दा करेगी इस्लामपुर में, मगर उसकी बरकत जो है सारे आलम पर आएगी। नमाज पढ़े अव्वल वक्त में तो बज़ाहिर ज़मीन पर पढ़ रही है लेकिन उसकी लाइन से जो ऊपर से रहमत आती है वो पूरी उम्मत को मिलती है। उम्मत अजीब अलबेली उम्मत है, ये बाहों में ये जुड़ी हुई उम्मत है। जंगल की तन्हाई में भी कोई नेकी करता है, उम्मत का फ़र्ज तो नेकी जंगल में किया है पर नफ़ा पूरी उम्मत को हासिल होता है। ये अजीब उम्मत है, एक से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एक खानदान है जो पूरे आलम में बिखरी हुई है, उस खानदान का रिश्ता कलमा तौहीद है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उम्मती है, ये जुड़ी हुई है। बहुत ज्यारत हुई, 50 मरतबा ज्यारत,
तो हमारे हजरत ने उसके वालिद से पूछा, वो अपना ख़त हालात का ख़त अपने अब्बा के साथ भेजा करती थी, हजरत ने पूछा कि भाई तुम्हारी बच्ची को इतनी ज़्यादा क्यों होती है, तो वजह तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हजरत क्या बताएं, वो दुआ वो जो है खिदमत बहुत करती है। तो कहा खिदमत करने वाले तो और भी बहुत से हैं। तो फिर बताते बताते चार बातें बताई, ये चार बातें माँ बहनें पकड़ लें, हम सब पकड़ लें, काम बन जाएगा। फरमाया कि एक बात तो ये हजरत कि जैसे अजान होती है ना, तो कोई भी काम करती होती है हमारी बच्ची, अजान होते ही वो सारा काम छोड़ देती है और अम्मी से कहती है, अम्मी पहले नमाज पढ़ूंगी फिर बाद में काम करूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म आ गया। कपड़ा धो रही है, बीच में अजान हो गई, कपड़ा छोड़ देगी। रोटी पका रही, अजान हो गई, छोड़ देगी, कहे पहले नमाज पढ़ूंगी फिर करूँगी। हजमा हाँ, ये समझ में आया कि नमाज का एहतमाम, नमाज का एहतमाम। अगर हम काम कर रहे होते और कहीं से फ़ोन आ जाए, फ़ोन आए मोबाइल पे और देखें कहाँ से, भाई लंदन से, छोड़ो काम फट से उठाते, अल्लाह तौबा सखुल्ला, मखलूक के फ़ोन का इतना सख्त एहतमाम और अब करीम रहमीन की तरफ से निदा हो रही है, हय अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हमें कोई ख्याल नहीं। ये गम की बात, एहतमाम था उसका, छोड़ दिया। हमारे मदरसे में शेख बुजुर्ग गुजरे हजम अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, अजीब गरीब अल्लाह वाले थे, सईद थे रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिसीन कबार मुहद्दिसीन में थे। हजरत की अम्मी जान का वाक़ा ऐसे लिखा है कि हजरत रोटी पकाती होती और अजान हो जाती तो तवा पर रोटी रखी ऐसी छोड़ देती थी, ऐसी छोड़ देती थी, फ़ौरन जाके मसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ के नियत बांधती। रोटी तवा पे रखी हुई है, नीचे आग जल रही है, 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी लगे, पूरी नमाज पढ़ के आती थी तो देखती थी कि जैसे रोटी रखी है वैसी जू की तो है, हालांकि आधा घंटे में रोटी तो जल के राख हो जाएगी। तो फरमाते थे कि बंदी ने अल्लाह के हुक्म को जलने से बचाया तो अल्लाह ने उसकी रोटी को जलने से बचा दिया। ये नकद इनाम है माँ बहनों, बड़ी कुर्बानियां हैं कि कुर्बानी से दीन चला है, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो पहली नमाज का एहतमाम। फरमाया उसके वालिद ने कि हजरत दूसरी बात मेरी बेची की है कि वो आठ बरस से लेकर के अब तो बड़ी हो गई है, कभी किसी गैर महरम के सामने नहीं आई, पर्दे का एहतमाम। दफा हाँ, उसका बहनोई कहता है कि हजरत मैं उस घर में, मैं 2-3 बच्चों का उसका बहनोई बाप हो चुका था, कहा इतने दिन से आता जाता हूँ लेकिन 8-9 साल के बाद से मैंने अपनी उस बिनते उख्ती उख्ती निस्बती को मैंने नहीं देखा है, उसको देखा ही नहीं कि कहाँ है। ये पर्दे का एहतमाम। और तीसरे ये कि वो तहज्जुद के लिए उठती है, तहज्जुद के लिए उठती है, और चौथे उसके बाद आधा 1.5 घंटा तक रो रो कर दुआ मांगते। ये चार बातों का एहतमाम था कि उसको 50 मरतबा से ज्यादा ज़ियारत शरीफ। हम सब फिक्र कर लें, अल्लाह इसकी बरकत से हमारी दुनिया आखिरत दोनों बनाएंगे। माँ के सजदे में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, माँ के मसल्ले की ताकत। हज़रत सैयद अल-फ़ख़ार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि माँ अपनी मसल्ले की ताकत को पहचानो। इमाम बुखारी अलैहि रहमा की वालदा, इमाम बुखारी रहमा की बिनाई खलास हो चुकी, बिनाई ख़त्म हो गई थी, आँख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। माँ ने सजदे में जाके कि सोख्ता दिल से तड़प कर कहा कि अल्लाह रब्बी मैं तेरी कमज़ोर ज़ईफ़ा बंदी हूँ, मेरे बुढ़ापे का सहारा जाहिर ही मेरा बच्चा है, अल्लाह मेरे इस बच्चे को बिनाई से नवाज दे और इसकी बिनाई वापस फरमा। लिखते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी मतलब नाबीना हो चुके थे, अम्मा की दुआ मुसल्ले की ताकत थी, तड़प कर मांगी, अल्लाह की रहमत ने कबूल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दौड़ कर आते हैं, कहते हैं अम्मा जी अब तक तो आपका चेहरा नज़र नहीं आता था, मैं देख रहा हूँ कि आप खड़ी हैं, आप खड़ी हैं, आप खड़ी। और तारीख में अजीब लिखा है कि इतनी फुल लाइट थी रोशनी निगाह की कि चांद की रोशनी में बैठ कर
अपनी बड़ी किताब तारीखुल कबीर जो इमाम बुखारी की किताब है रहमतुल्लाह अलैह, चांद की रोशनी में बैठ के उसको लिखा है डायरेक्ट, क्योंकि माँ की दुआ की बरकत से मैं गिफ्ट मिली थी ना गिफ्ट, और तो गिफ्ट तो आला होती है। इसलिए ये चंद बातें मैंने अर्ज की, अल्लाह पाक इन बातों पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अव्वल एहतमाम नमाज का, दूसरा कुरान शरीफ की तिलावत का, तीसरे दुआ का, चौथा घर में तालीम के हलके का, और उसके साथ पर्दे का, पर्दे का एहतमाम करें हल्का है, और दुआओं का एहतमाम करें, उसके साथ अपनी औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र करें, घरों में दीनी माहौल हो, बुराई की जो चीज़ें उनको निकालें, घर से निकालें, घर में झाड़ू देते हैं, जाले साफ करते हैं, क्यों, क्यों गंदी चीज़ है। इसके साथ साथ इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि घरों में जो गुनाह का माहौल है उसको निकाल कर साफ करें। हमारे तरकेसर में एक खातून का मैं किस्सा अक्सर सुनाया करता हूँ, उसका शौहर घर में टीवी लाया, वो माँ की कुर्बानी, अजीब गरीब कुर्बानी है, ऐसी कुर्बानी है कि उसके दो लड़के अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाफिज़ हो चुके हैं, वो माँ की कुर्बानी का नतीजा है। कितनी कुर्बानी देती है उसकी माँ, जब बच्चा एक बच्चा जब बच्चे का पहले पारा कुरान हिफ्ज़ हुआ है तो उस वक्त शुक्राने में एक रोज़ा रखा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे का एक कुरान एक पारा हुआ, दूसरा पे दो तीस पारे 30 रोज़े रखे, हर पारा ख़त्म होता जब तो शुक्राने में रोज़ा रखती थी, ये माँ की कुर्बानी थी, अभी ज़िंदा है, दो बेटे दोनों माशाल्लाह हाफिज, ये माँ की दुआ कुर्बानी का नतीजा है, माँ की दुआ तीर्थ है। उसके घर में टीवी थी, शोर नहीं मान रहा था, और अक्सर नहीं मानते हैं, तो उसने लड़ाई नहीं की, पहले कमरे में टीवी देखता था शोर अपने दोस्तों के साथ, और वो आखिर कमरे में मुसल्ले बैठा के चीख मार के रोती थी कि अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे शोर को तौबा की तौफीक अता फरमा, घर से इस नुसरत को निकाल दे। ये कह रहा है दुआ मांग रही। एक दिन अचानक वैसे ही थी तो उसके वालिद का यानी उसके शोहर के खुसर का फ़ोन आया कि बेटी किस हाल में हो, तो आंसू छुपते नहीं है, गम छुपता नहीं है, फ़ोन आया चुप हो गई, तो उसने उसके वालिद ने महसूस किया मेरी शायद मेरी बेटी गम में है, पूछा बेटी क्या बात है क्यों रो रही हो, तो और रोने लगी, कहा क्या, कहा कि मैं तो यहाँ मसल्ले पे हूँ अल्लाह से मांग रहे हूँ, कहाँ कहाँ है अपने उसके बारे में दामाद के बारे में पूछा वो कहाँ है, तो कहा वो तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के टीवी देख रहा, बस खुसर को चोट लगी, फ़ौरन फ़ोन किया कि बेशरम तुमको ज़रा भी हया नहीं है, तुम्हारी घर वाली मसल्ले पे बैठ के रो रही है और तू घर के बाहर बैठ के ये मस्तीखोरी कर रहा है, अल्लाह ने जरिया बनाया यही चीज़, वो दौड़ के आया कहता क्यों रो रही, कहा कि ये नुहसत तुम कब निकालोगे, तो वो शोर कहता ये तो मैंने तुम्हारे लिए ले आया था, जब तुम ही रोती है तो रख के क्या करूँगा, ले जाके खलास कर दिया निकाल दिया। ये हिकमत है माँ बहनों की, कुर्बानियों का नतीजा है, दीन ज़िंदगी में आता भी है बाकी भी रहता है। अल्लाह पाक कहने सुनने को कबूल फरमाए, इख़लास अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इलाहना खैरुर रहीमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिका नबीना सैयदना खैर बरिया शफीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिही सहबिही अजमईन, रब्बिग़फिर वरहम अन्त खैरुर रहीमीन। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए, हमें अपना सच्चा मुखलिस बंदा बनाइए, मकबूल महबूब बंदा बनाइए, मुत्तकी कामिल बनाइए, मोमिन कामिल बनाइए, मुवाहिद कामिल बनाइए, अपने औलिया मकबूलीन में शामिल फरमाइए, महबूबीन मुकर्रबीन में शामिल फरमाइए, इस मजमे की मखरब फरमाइए, जितने आपके बंदे ईमान वाले बंदे बंदियाँ हम जैसे गुनहगार बंदे यहाँ मौजूद हैं हम सब की मगफरत फरमा दीजिए, इस मजलिस को कबूल फरमा कर खैर कसीर के फैसले फरमाइए, तक़वा अता फरमाइए, ईमान कामिल मरम्मत फरमाइए, जो कहाँ सुना गया कबूल फरमाइए, कहने सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाइए, इस गांव को हिदायत का मरकज़ बनाइए, हर घर में ईमान दाखिल फरमाइए, हिदायत दाखिल फरमाइए, ज़रिया सब तरफ़ कबूल फरमाइए, हमें भी नेक साले बना मुत्तकी बना, हम सब की आला औलाद को नेक साले मुत्तकी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को नेक साले मुत्तकी बना दे। तेरे बंदे बंदियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से इस मजलिस में हाजिर हैं, अल्लाह सब की दुनिया आखरत बना दे, कबूल फरमा ले अल्लाह हर एक को, अल्लाह नमाज दे, इस मजलिस में जो आ जाए किसी को खाली महरूम मत फरमा, हम सब को पूरी उम्मत को नवाजने के फैसले फरमा, दीन को हक को गालिब फरमा, कुफ्र शिर्क निफाक फिस्क फुजूर के अड्डों को ख़त्म फरमा, बेदीनी बददीनी को ख़त्म फरमा, ज़लात गुमराही का खात्मा फरमा, हिदायत की हवाएं चला,
आफियत और इज्जत के साथ अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में रखिए इज्जत और आफियत के साथ दीन पर कायम रखिए, दीन की मेहनत में मकबूलियत महबूबियत नाफियत अनफियत के साथ मशगूल फरमाइए, खैर के फैसले फरमाइए। हमारे हमारे माँ बाप के इज़्ज़त करीब की असादा की मशायख की दोस्त अहबाब की गुरमत की जिंदों की मुर्दों की मगफरत फरमाइए। उम्मत के बीमारों को शफा अता फरमाइए। जो भी औलाद उनकी साले मुत्तकी औलाद जल्दी से अता फरमा, जिनको औलाद अता फरमाई आपने उनकी औलाद को साले मुत्तकी बना, हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हम सबको हमारे माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना। अल्लाह रब्बी और हम सबको अल्लाह पूरी उम्मत को अपने महज खास फजल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सल्लम की पाक ज़ात अक़दस आप सल्लम की मुबारक आंखों की ठंडक बना दे, हम सबको आप सल्लम के लिए बाईस फ़ख्र बना दे। अल्लाह हमारी दुआ को पूरी उम्मत के हक में कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।